विजयनगर। हाँ, मेघ चुपाटी तो हमको पता ही है, अभी हमने बताया। और दाइसो दुकान है जी, बिल्कुल सर। ये चीज आपको अपने जोधपुर में तो कहीं नहीं मिलने वाली है। और बटर जाएगा इसमें? ये अमूल बटर है। अमूल बटर है जी, बिल्कुल सर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आइए और टेस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल ख्वातीन हजरात। मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। आपको पता है कि फिलहाल हम लोग इंदौर में, और आपने हमारा इंदौर मेरठ का वीडियो देख लिया होगा जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और उससे पहले आपने एक और हमारा वीडियो देखा होगा सेठी दाल बाटी वालों का। और अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही फेमस काबिया जी के जो अप्पे हैं वो ट्राई करेंगे। तीन टाइप के अप्पे यहाँ पे मिल जाएंगे, एक तो कॉर्न पनीर मिल जाएंगे, एक बेल मिल जाएंगे और एक कॉर्न वाले मिल जाएंगे। चलिए इनसे मैम से बात करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या बनाएंगे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस मैम, बस हम लोगों ने काफ़ी नाम सुना है, हम लोग जोधपुर से आए हैं। तो आज हमको आप दो टाइप के अप्पे बनाएं, एक तो ये जो आपका जो कॉर्न पनीर वाला ये, और एक चीज़ वाला बनाए। कैसे बन? हाँ हाँ, कॉर्न पनीर, कॉर्न वाला कैसे बनते हैं? कॉर्न प्लस पनीर है, कॉर्न है, कॉर्न प्लेन है, सभी में आएगी, सब में आएगी, सबकी प्राइस अलग 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 अलग। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है अपने? अपना स्टार्ट होता है 40 वाला, ओनली वेजेस आती है, उसके बाद 50 वाला, कॉर्न एग हो जाता है, वो कितने का है? वो 60 का है। तो चलिए बस आप हमारे लिए पहले बनाएं। और हम जैसे ये जो आपके होते हैं किससे बनते हैं? राइस दाल से बनते हैं। चलिए बनाएं आप। एक प्लेट में कितना आइए? 30 का। ठीक है मैम, ने स्टार्ट कर दिया और देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये अप्पे का बैटर है, आप ले लीजिए। ये देखिए, ये जो अप्पे का जो बैटर है, जैसे इसमें सारी वेजीज इसमें ऑलरेडी है ना मैम? वेजीज रहती है इसके अंदर। ये चावल और सूजी का बनता है, राइस सूजी दाल, राइस दाल का बनता है। ये देखिए, ये सांचे होते हैं, मतलब आप इसको छोटी इडली भी कह सकते हैं ना, इडली अलग होती है। लेकिन मतलब एक में, मतलब एक वो जो शेप होता है ना, वो तो स्टाइल तो वही होता है ना, इसको साउथ इंडियन रेसिपी भी बोल सकते हैं। हाँ, महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, आप वैसे यहाँ के, इंदौर के? नहीं, हम लोग प्रॉपर इंदौर के हैं। इंदौर के? अच्छा, ये देखिए इन्होंने बैटर में इन्होंने स्वीट कॉर्न डाल दिया। अभी हम कॉर्न वाले ट्राई कर रहे हैं। जी जी, नमक मिक्स करेंगे। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। जी बिल्कुल सर। अमूल बटर है, ये अच्छा, अच्छा हाँ, इससे ये क्या थोड़ा नमकीन होता है ना, तो उससे थोड़े फ्लेवर्स आ जाते हैं उसमें। ये देखिए यार, इंदौर में तो मज़ा आ रहा है हमको। ये देखिए क्या बात है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है मैम? सर इसको 7-8 मिनट में अपना ये बन जाएंगे। ये देखिए, तो पूरे अंदर से सिकाई होना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर से अगर नहीं होगा तो फिर कच्चा रह जाएगा ना। हाँ सर, फोटो। ये अपने कॉर्न वाले हो गए जी, अब इसके अंदर कॉर्न प्लस पनीर वाला ऐड करेंगे। जी जी, वापस से कॉर्न डाला जाएगा, और कॉर्न डाला जाएगा इसमें। जी जी, इसमें बैटर डाला जाएगा, और बैटर डाला जाएगा, पनीर के छोटे छोटे पीस करके डाले जाएंगे और पनीर चला जाएगा इसमें। ये चीज आपको ट्राई करनी तो आपको मेघदूत गार्डन में काबिया फास्ट फूड चाइनीज का, अच्छा चाइनीज का भी अपना काउंटर सर, चाइनीज भी है, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन भी, मतलब ऑल टुगेदर आप सारा काम करते हैं, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए अब पनीर वाले हमारे अप्पे बन रहे हैं। ये पनीर चला गया, अब इसमें इसको ये कॉर्न पनीर के आ गए, एक तो हमारे ये कॉर्न के हैं और ये कॉर्न और पनीर इसमें। ये देखिए आपकी सिटी बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, इसीलिए नंबर वन आता है। यहाँ पे टिश्यूज भी नहीं मिलते ना? यहाँ टिश्यू भी बंद है, बंद है, मतलब बैन है, जहाँ पे आप खाना खाएंगे वहाँ पे टिश्यू नहीं देंगे आपको। प्लास्टिक बंद है जी, जी सब कुछ बंद है, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए
8 से 10 मिनट लगेंगे और उसको बस ये देखिए होने लग गए हैं। ये देखिए आप इसको वापस अपना फ्लिप करेंगे। हाँ सर, एक ही फ्लिप करना पड़ेगा। हाँ क्या बात है, एकदम परफेक्टली हो रही है। तो कलर देखो आप माशाल्लाह, ओए होए होए क्या बात है। ये देखिए कलर देखें आप, क्या कलर आया यार। बस अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा और फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। अपना एड्रेस बता दें सर प्लीज। होटल मेरठ के पास में आईडी पार्किंग कॉम्प्लेक्स के सामने ना। तो कार पार्किंग है वहाँ पे। जी सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना बटर लगा रहे मैम यहाँ पे। हाँ मेघ दूत चौपाटी तो हमको पता ही है, अभी हमने बताया। और दाइसवा दुकान है सर, ये चीज आपको अपने जोधपुर में तो कहीं नहीं मिलने वाली है। और बटर जाएगा इसमें? ये अमूल बटर है। अमूल बटर है जी, बिल्कुल सर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आइए और टेस्ट कीजिए। हाँ आपको ये कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर हमको डेढ़ साल ही। डेढ़ साल ही हुआ है? अच्छा, अब पे क्या बहुत से लोग जानते भी नहीं है। हाँ वही मैंने तभी तो मैंने आगे पूछा, मैंने कहा क्या आप ये किस मतलब जो बैटर बना है वो किसका है? सर ये राइस की दाल। हाँ राइस, ये देखिए अब ये 90% तो डन हो गया ना। कलर बहुत अच्छा है मैम। जबरदस्त। तो माशाल्लाह अब ये बस हम लोग इसको ट्राई करेंगे। हम लोगों ने पनीर कोन लिया है और कॉर्न लिया ना। क्योंकि हमको इतना सारा वीडियोस बनाने ना, इसलिए वरना हम लोग वो तीसरी भी ट्राई करते। चलिए ये देखिए बस थोड़ा सा और टाइम और फिर हम लोग खाने के लिए तैयार। देखिए आपके कलर देखो ना यार, कलर कितना अच्छा है माशाल्लाह। सब जगह से प्रॉपरली ये ड्रिल होने वाले हैं। देखिए क्या बात है। तो बस अब ये तैयार हो चुका है, होने वाला है। क्या मैम, गार्लिक चटनी बहुत स्पाइसी रहती है। ये तुम्हारी फेवरेट है मैम, ये आप खुद ही बनाते होंगे? सब हमारा होममेड है सर। हाँ, और ये कोकोनट की चटनी, कोकोनट की चटनी है। तो ये तो फ्लेवर बहुत जबरदस्त, ये मतलब लहसुन की चटनी के साथ तो सारी चीज अच्छी लगती है। हाँ लहसुन की चटनी तो बहुत पसंद है। अभी रेडी हो चुके हैं। ये पनीर वाले ना सर? ये कॉर्न पनीर है। ये कॉर्न पनीर है, इसको हम पहले निकाल लेंगे। जी जी, ये 6 पीस कॉर्न पनीर के हो चुके हैं। ये 6 पीस हो चुके हैं और ये जो है सिर्फ कॉर्न के है ना, दोनों ऐड कर दिए इसके अंदर। ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है। जी जी, 2 प्लेट की अपनी हो गई है। एक तो है 60 रुपए की और एक 50 की है, तो मतलब आपको 110 रुपए में इतने सारे अप्पे मिल जाएंगे। ये लहसुन की चटनी, गार्लिक की चटनी, ये बहुत स्पाइसी रहती है। बहुत स्पाइसी रहती है जी सर, हम तो राजस्थानी हैं, ऐसा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और ये कोकोनट की चटनी। ठीक है मैम, सर ये हमारे कॉम प्लस पनीर अप्पे रेडी। जी थैंक यू वेरी मच मैम। जो फेमस जो अप्पे है वो देखिए हमारे सामने है। अब इसको हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग पनीर और कॉर्न के ट्राई करेंगे। बहुत गर्म है यार, देखिए प्रॉपरली हो चुके, देखिए पूरा अंदर तक हो चुका है। देखिए तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। लहसुन की चटनी तुम्हारी फेवरेट है यार। माशाल्लाह एक नंबर है। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो इसको जो बेक किया है वो टाइम लेके बेक किया और प्रॉपरली एकदम बेक हो चुके हैं। स्टफिंग परफेक्ट है और साथ साथ में लहसुन की चटनी तो यार एक नंबर है। अभी मैं बॉम्बे में मैंने शूट किया था तो वो मुंह पे एक नंबर आ रहा है। बहुत अच्छा बनाया मैम आपने माशाल्लाह। तो ये हमने ट्राई कर दिया, अब हम लोग इनके कॉर्न वाले अप्पे ट्राई करेंगे। देखिए एकदम प्रॉपरली ये हो चुके हैं। और ये किस्वा की फेवरेट है, किस्वा रानी की फेवरेट है। उसको लेके आते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि अगर बच्चों के साथ में लेके आते ना तो शूट करना बहुत मुश्किल पड़ता है। किस्वा ने याद कर दिया। की चटनी भी ट्राई करते हैं। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी है और हम लोग राजस्थानी खाने का मज़ा आता है। और साथ साथ में जो कोकोनट की जो चटनी है उसमें थोड़ा बहुत मिठासपन भी है, जिससे क्या होता है कि जैसे कोई लोग होते हैं उनको मिठास नहीं पसंद होता है तो वो ऐसे भी खा सकते हैं। और लहसुन की चटनी तो आई है,
तो चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के आपसे बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आके मैम ने जो जो अप्पे बनाए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, दोनों टाइप के हमने अप्पे ट्राई किए। सबसे बड़ी बात मैम, पूरे अंदर तक आपने इसको बेक कर दिए थे। और बिल्कुल भी खचरी थी, और साथ साथ में आपने जो लहसुन की चटनी और जो कोकोनट की चटनी थी ना, वो माशाल्लाह एक नंबर थी। और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। पक्का पक्का। चलो तो चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।